हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोग के साथ एक क्राफ्ट शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये फ्यूज बल्ब का यूज किया है। तो सबसे पहले हम फॉइल पेपर को इस तरह का शेप देके इसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर और भी फॉइल पेपर चिपकाएंगे। देखिए, आप इस फॉइल पेपर की जगह पे न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं। हम इसे कुछ इस तरह का शेप देंगे। शेप देने के बाद हम इसे बॉल पुट्टी से कवर करेंगे। तो बॉल पुट्टी का डो पहले आप बना ले, उसके बाद उसे किसी भी प्लास्टिक शीट पर रख के अच्छी तरह से बेल के इस पे चिपका लें। इसे चिपकाने के लिए हम यहाँ पे फेविकॉल का यूज करेंगे। तो आप इस पे फेविकॉल लगा ले और इस पे बॉल पुट्टी को चिपका दें। चिपकाने के बाद इसे अच्छी तरह से सूखने दें, और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तो हम आगे की जो डिटेलिंग है सूखने के बाद करेंगे। हमने जो इसे बॉल पुट्टी से कवर किया था वो अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब हम इस पर डिटेलिंग करेंगे। आप आगे के स्टेप को फॉलो करें। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो जो आपका क्राफ्ट है वो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। मैंने इस क्राफ्ट में पुट्टी को चिपकाने के लिए पानी का यूज किया है। अगर आपका बॉल पुट्टी पानी से अच्छी तरह से नहीं चिपकता है तब आप उसमें फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं।
तुम्हारा क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर करें। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।